हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस अलग है और बिजनेस एथिक्स अलग है। डोंट कन्फ्यूज इन बोथ ऑफ देम। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो स्टार्ट विद द चैप्टर कॉन्सेप्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फंडामेंटली एन एथिकल कॉन्सेप्ट। हैज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति एक बिजनेस मैन की और बिजनेस यूनिट की, एंटरप्राइज़ की, कंपनी की, कुछ भी कह लो आप, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखेंगे हम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन ए सोशली डिज़ायरेबल मैनर। मतलब वो ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस फर्म्स की कि कंट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, ठीक है, फॉर किस लिए, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो और वर्क इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर, और उस तरह काम करे जैसा सोसाइटी, सोशली डिज़ायरेबल मैनर मतलब जैसा सोसाइटी चाहती है, ठीक है। अब काइंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस तरह की हो सकती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक, एथिकल और डिस्क्रिशनरी। लीगल मतलब जो लॉ ने बनाई है, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, नॉट टू क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इकोनॉमी के प्रति एक बिजनेस की होनी चाहिए, जस्ट लाइक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ये नहीं है कि आप चेयर बना रहे हो जिस टाइम फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है, मानता हूँ कि कुछ कंपनीज का काम ही वही है, बट फिर भी इकोनॉमी की तरफ भी सोच के चलना चाहिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिकल खुद पे डिपेंडेंट होती है, मतलब एक बिजनेस कैसा करना चाहता है उस तरह की, जैसे रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो मुसलमान लोगों को नहीं रखते, ठीक है, मैंने देखा है, कुछ है जो क्रिश्चियंस को नहीं रखते, ये दोनों कंपनीज मैंने देखी हैं। सो अब वो उनके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, अब वो किस वजह से वो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा होते हुए देखा है। सो रेस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ये ध्यान में रखना चाहिए, एथिकल है। यूजिंग फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्रेंडली मेथड्स का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को हार्श कर करके प्रोडक्शन कराया जा रहे हो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ही एट रीजनेबल प्राइजेस एटसेट्रा। रीजनेबल प्राइस तब जाके जब, जैसे मान लो किसी कंपनी का कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है खुद की, सिंगल कंपनी अपने दम पे चले जा रही है, तो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, ये नहीं कि अपने मर्जी से जो भी चाहे। और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मर्जी, खुद की डिस्क्रिशन है, उनकी खुद की मर्जी है, ठीक है, कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखना चाहते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। अभी हर बिजनेस तो बिजनेसमैन और बिजनेस तो करता नहीं है, सो इनकी खुद की मर्जी है। हेल्पिंग द फूड अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल, फ्लड और अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द फिजिकली हैंडीकैप पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये होती है डिस्क्रिशनरी, खुद की मर्जी की। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे एशियन पेंट्स क्या करता है, वर्किंग इन द एरिया ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पेप्सी क्या करता है, वर्किंग इन द एरिया ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। एस्कॉट इज़ वर्किंग इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। टिस्को क्या करती है, इज़ वर्किंग इन द एरिया ऑफ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। और ब्रुकबॉन्ड क्या करता है, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है। सो कौन कौन सी कंपनी की कहाँ कहाँ सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा रही है, कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। नाउ बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। मैं आज पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, बार बार अटक रहा हूँ। सो कोई ना, कौन कितने बताए हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और ओनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर कंज्यूमर टूवर्ड्स द कम्युनिटी और गवर्नमेंट। हम एक एक को करते हैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो ओनर होते हैं कंपनी के या फिर बिजनेस के, उनके प्रति बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। पे ए फेयर रिटर्न, अच्छा रिटर्न पे करें ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चाहे फिर वो डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो।
रिटर्न अच्छा होना चाहिए, इंश्योर द सेफ्टी होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट की, प्रोवाइड रेगुलर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वर्किंग ऑफ बिजनेस की एलवेज एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी, और जो अभी चल रहा है, एक्यूरेट ग्रोथ सॉरी एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, और टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब इंक्रीज करे उनकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की, ठीक है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, वेल्थ अलग चीज़ होती है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिसी डिसीजंस में, ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही लेके बैठ गए सारे डिसीजन, फिर बाद में वो सही हो गलत हो कुछ मतलब नहीं बनता, और इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस, उन सबको प्रोटेक्ट करना, ये नहीं है कि किसी ने मतलब ये नहीं है कि किसी ने ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उनका पहले ध्यान देंगे, कम वालों का बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्कर्स के प्रति क्या होना चाहिए, फेयर वेजेस दे पे होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, फिर एजुकेशन ऑफ उनके चिल्ड्रन की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, किसके थ्रू, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के थ्रू उनकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, अगर किसी को मान लो वीडियो एडिटिंग आती है तो अगर किसी को वीडियो एडिटिंग आती है तो प्रॉपर वीडियो टूल्स लाके उसे और बेहतर बनाया जाए, ठीक है, कोई अगर मशीन्स जो इंडियन मशीन्स बनती है नॉर्मल छोटी मोटी उनको चलाना सीखता है तो इंडिया में और जो अच्छी और बेहतरीन मशीन्स हैं उनको चलाने के कुछ आईटी के होते हैं, मतलब हर वो बंदा जो किसी बेसिक काम को कर सकता है उसे प्रो बनाया जाए, प्रोफेशनल बनाया जाए, ठीक है, हर एक की स्किल्स पे ध्यान दिया जाए, विन देयर कोऑपरेशन, मतलब गुड ह्यूमन रिलेशन करके उनके कोऑपरेशन को जीता जाए, रिकॉग्नाइज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर वर्किंग लाइफ, ठीक है, नाउ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कंज्यूमर के प्रति, कंज्यूमर जिसके पास फाइनल गुड पहुंचता है या फिर फाइनल सर्विस पहुंचती है, ठीक है, जो कंज्यूम करता है, टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड की क्वालिटी और सर्विस की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए, रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये नहीं है कि आज तुमने उसको प्रोडक्ट दिया कल नहीं दोगे परसों फिर दोगे, ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है तुम्हारी अगर थोड़ी भी मोनोपोली है तो तुम फिर मजे ले रहे हो कस्टमर से, ठीक है, टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज एडल्ट्रेशन होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग अंडरवेइंग पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो अंडरवेटिंग कम देना, पुअर क्वालिटी घटिया क्वालिटी, ब्लैक मार्केटिंग जैसे मान के चलो कि अभी ऑनियन मार्केट में है नहीं पर लेकिन तुम्हारे पास है तुम्हारे वेयर हाउस में, तो तुमने छुपा कर रख रखे हैं कि जब और ज़्यादा प्राइस होगा तब मैं ब्लैक मार्केट में बेचूंगा, ब्लैक मार्केट मतलब बिना सरकार के सामने आए पीछे से निकाल निकाल के बेचूंगा, ज़्यादा प्राइस मिलेगा, ठीक है, एडल्ट्रेशन चेंज करना, होर्डिंग डिक्शनरी में चेक कर लेना, टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, पहली चीज़ तो कुछ नया प्रोडक्ट आएगा उनके बारे में इन्फॉर्म करना, और फिर जो नए यूजर्स हैं जो पहले प्रोडक्ट थे उनके उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना कंज्यूमर को और क्या चाहिए, और हैंडल कस्टमर ग्रीवेंस प्रॉपरली, ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट की तरफ, सबसे पहले तो लॉज फॉलो करना, ठीक है, फिर टैक्स देना, फेयर डीलिंग्स फॉरेन ट्रेड के साथ अपनाना, ठीक है, कॉपरेट विद गवर्नमेंट वॉलंटरी इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इलिटरेसी एटसेट्रा, पॉवर्टी दूर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को और जागरूक करना पढ़ाई के प्रति, इसमें गवर्नमेंट का साथ देना, टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क, मतलब अगर फ्लड और अर्थक्वेक जैसी कोई भी घटनाएं होती है तो उस टाइम जो रिलीफ वर्क होता है या फिर रेस्क्यू करते हैं लोगों को कि हाँ कौन कौन कैसे कैसे है किस हालात में उन्हें बचाया जाए प्रॉपर तरीके से, उसमें कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कम्युनिटी की तरफ, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अवॉइड बैड इन्फ्लुएंट स्मोकी चिमनीज़ अगली बिल्डिंग्स डर्टी वर्किंग कंडीशन, इन सबको अवॉइड करना, ठीक है, प्रोवाइड असिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्पेंसरीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इन सबको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कम्युनिटी की है ये तुम समझ गए होंगे, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी में कोई कोई ऐसे सेक्शन रह जाते हैं जो वीक रह जाते हैं उनको अपलिफ्ट करना, अपलिफ्ट मतलब बढ़ावा देना कि हाँ तुम आओ काम करो हम तुम्हें पहले देंगे जॉब, टू प्रमोट कम्युनल हारमोनी एंड पीस इन सोसाइटी, शांति बनाए रखना, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी,
responsibility towards the government, community, shareholders, workers or consumers. Okay, so now case for social responsibility. केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्या बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनाना. देर इज़ ए नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. वैसे मैंने ये हाईलाइट किया था. इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी इज़ ऑल्सो गुड फॉर द बिजनेस. जो सोसाइटी के लिए अच्छा है वो बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा माना जाता है. अब हम पढ़ते हैं कि रीजंस क्या क्या है. जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ का मतलब है कि अगर बिजनेस चाहता है कि वो एग्जिस्टेंस में रहे और ग्रोथ करे तो उसे हमेशा कंटिन्यूस सर्विस देनी पड़ेगी सोसाइटी को. मतलब अगर तुम बेहतर क्वालिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम सर्विस देते हो तो उसकी क्वालिटी घटिया है, ठीक है, तो तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ना ही तुम एग्जिस्टेंस में रह पाओगे. सबसे पहली बात ग्रोथ नहीं कर पाओगे, दूसरा तुम्हारा सर्वाइवल खतरे में आते ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी खत्म है, समझो. सो ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कंटिन्यूस सर्विस टू सोसाइटी. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अगर तुम लंबे समय तक टिका रहना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी. सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा. अगर तुम कुछ भी ऐसा कोई गलत काम करते हो, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे और यहाँ पे भी दे रखे हैं, अल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्ट, एडवर्ट एट्सेट्रा, तो तुम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे. तो ये भी दूसरा कारण है कि तुम्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है. अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, मतलब अगर तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाओगे और एट द एंड बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेगी. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, ठीक है. दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड्स दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस के पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकें. बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस. अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगी, इलिटरेसी कम करेंगी, पॉवर्टी घटाएंगी, तो बिजनेस करने के लिए बेटर एनवायरनमेंट बनेगा. होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स. इट इज़ आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस फर्म्स देमसेल्फ. मतलब होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ही बिजनेस खुद रिस्पॉन्सिबल है. वो पॉल्यूशन फैला रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए. सारी की सारी, मतलब जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स बिजनेस खुद क्रिएट करता है उनको खुद ही सॉल्व करे तो बेटर है. नाउ अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बिजनेस, और फिर बिजनेस एथिक्स, मीनिंग एंड एलिमेंट्स. सो आई थिंक वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी होते जा रही है. ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.